वेंसडे मॉर्निंग, सुबह के हो रहे हैं 10:30। येशा केयूष दोनों ही स्कूल गए हुए हैं, अनुज ऑफिस में है और मैं घर पे अकेली हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे। मैं सरप्राइज हो जाती हूँ जब कोई मुझे कमेंट करता है कि सुची कितना लोनली होता होगा तुम्हारे लिए घर पे अकेले रहना, जब बच्चे भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, जॉब पे है। तो मैं उन सबको बता दूँ कि नहीं, बिल्कुल लोनली नहीं होता। मेरा ये फेवरेट टाइम होता है जब मुझे अपने साथ कुछ टाइम बिताने को मिलता है। और बहुत ज़रूरी है कि हर दिन एटलीस्ट 10 मिनट्स भी आप अपने साथ स्पेंड करो। जब आप किसी के बारे में मत सोचो, हस्बैंड के बारे में नहीं, बच्चों के बारे में नहीं, फैमिली के बारे में नहीं, किसी के बारे में नहीं, इट्स जस्ट यू। क्योंकि अपने आप को टाइम देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बिल्कुल लोनली फील नहीं करती हूँ, ये मेरा बहुत खुशी वाला टाइम होता है। तो अभी वही वाला टाइम है। मॉर्निंग से मैं क्या कर रही थी, मैं ड्रॉप करके आ गई थी 9:15। और मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट्स के लिए, लाइक जो लोग PR पे हैं, उनके बच्चों के लिए एक स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो घर पे आके आपको एक्टिविटी शीट देते हैं, समझाते हैं कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है अपने बच्चों के साथ। तो एवरी वीक अराउंड 1/2 आवर टू 1 आवर का मेरा क्लास होगा। तो अभी वही इंस्ट्रक्टर आई हुई थी, टीचर बोल लो, इंस्ट्रक्टर बोल लो। तो इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। पूरे 5 डेज की एक्टिविटीज़ होती है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड लैंग्वेज। एवरी डे बच्चे के साथ थोड़ी देर, आई थिंक 15-20 मिनट्स की एक्टिविटी है बस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि उसको बहुत मज़ा आने वाला है। जब मैंने इतना इन्जॉय किया तो वो भी इन्जॉय करेगा। एक बुक देके गई है वो, और ये फ्लिप फ्लैप वाला बुक है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जब मैं कियूश के साथ रीड करूंगी, और डेफिनेटली मैं सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपके घर पे 3 साल 4 साल का बच्चा है, आप उसके साथ करना, बहुत ही फन एक्टिविटीज़ है और बहुत अच्छी लर्निंग भी होगी। तो बस यही हो रहा था मॉर्निंग से। तो मैंने अभी अभी वो गए तो मैंने सोचा कि चलो अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज घर पे आप लोगों को दिखाने के लिए दो दो नई चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दिखा दूँ काउच। यस, हमारा काउच आ गया है। कलर तो वही है, ब्लैक कलर है, और मटेरियल भी वही है, बट स्लीक सा है बिल्कुल। उतना कंफर्टेबल भी नहीं है, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि वो बल्की था बट कम्फी भी था। लाइक जंप करते थे येशा के उस, तो इस पे उनको बताया गया है कि जंप नहीं करना है। क्वालिटी उतनी ग्रेट नहीं है, बट हाँ $250 में इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। और हमें ऐसा ही चाहिए था, बिल्कुल स्लीक सा। तो वैसे मैं कल रात को जब ये आया तो मैं थोड़ी सी सैड हो गई थी, क्योंकि आपके माइंड में होता है ना कि जो आपके पास पहले था आप उससे कंपेयर करते हो। तो डेफिनेटली उससे कंपेयर करके तो ये बेस्ट नहीं होगा। बट स्टिल आप लोग पूछते हो ना कि सुचि तुम सैड नहीं होती, हमेशा हंसती रहती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी सैड होती हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, और फिर दुख तो होता ही है, बट उससे बाहर निकलना पड़ता है। तो कल मैं थोड़ा सैड थी, फिर सो भी गई। मैंने कोई भी TV पे भी कुछ भी नहीं देखा, इतनी सैड हो गई मैं। बट मॉर्निंग में उठ के मैंने अपने आप को समझाया। मैं यही करती हूँ, मैं हमेशा जब भी सैड होती हूँ या कोई प्रॉब्लम होता है ना, मैं अपने आप को समझाती हूँ, खुद अपने आप से खुद बातें करती हूँ कि ओके ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है। तो मैंने अपने आप को यही समझाया कि मत सोची, तुम्हारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी है, मैजिक चलाओ और बना दो लिविंग रूम को ब्यूटीफुल। तो चलाएंगे, कुछ मैजिक करेंगे, कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे और लिविंग रूम को एक ब्यूटीफुल सा लुक देंगे, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जैसा मैंने सोचा है वैसा हो पाता है कि नहीं। लेट्स सी, देखते हैं, और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और फिर आप बताना कि आपको कैसा लगा। तो जब भी मैं सैड होती हूँ यही करती हूँ, मैं अपने सामने पॉइंटर्स रखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि इधर आप बैठ के रो सकते हो, रिग्रेट कर सकते हो, या फिर उससे बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो फिर तो पॉइंटलेस है उस चीज़ के बारे में सोच के उदास होना। सो फॉरगेट इट।
अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आलू बॉईल हो रहा है और मैं सिंपल सी आलू मटर की सब्जी बनाने वाली हूँ। वैसे मुझे लंच में चिकन बनाना था बट गार्लिक बिल्कुल फिनिश हो गया, तो केयूष को जब ड्रॉप करके मैं आ रही थी, मैं ला सकती थी 7 फूड से गार्लिक, बट फिर अपॉइंटमेंट था 9:30, वो आने वाली थी इंस्ट्रक्ट, तो फिर मुझे जल्दी जल्दी घर आना पड़ा, तो इसलिए मैं गार्लिक नहीं लेके आ पाई। तो डिनर में मैं बनाऊंगी चिकन और अभी सिंपल सा आलू मटर की सब्जी। इस बारी मटर मुझे फ्रेश वाला मिला कॉस्को में, तो फ्रेश वाला ज्यादा दिन तक रख भी नहीं सकते ना, खराब हो जाएगा, तो मैं फटाफट से वो बना लेती हूँ, बिना प्याज लहसुन के बनाऊंगी। तो अभी नवरात्रे आने वाले हैं, बहुत लोग बिना अनियन बिना गार्लिक का खाना खाते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी एक रेसिपी होगी। और इनकेस आप लोग और ढूंढ रहे हो नो अनियन नो गार्लिक का, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें 4 रेसिपीज है विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक, तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लें। हार्डली 15 मिनट्स में आलू मटर की सब्जी बन गई। अगर आपके पास बॉइल्ड आलू है तो बहुत जल्दी बन जाता है ये, और अनियन नहीं है गार्लिक नहीं है तो आपको फ्राई करने में जो टाइम लगता है वो भी नहीं लगता है, बस टमाटर डालो, सारे मसाले डालो, आलू मटर डालो और अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लो और फिर पानी डाल दो, बन गया आलू मटर की सब्जी। और साथ में मैं बना रही हूँ राइस। और नेक्स्ट जो नई चीज ली है मैंने वो है, फाइनली मैंने लॉज का कास्ट आयरन तवा ले लिया है। मैं जब भी आप लोगों से मैंने पूछा कि आयरन तवा के बारे में मुझे रेकमेंड करो, तो मुझे सबसे ज्यादा इसी का रिकमेंडेशन आया। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने मैसेज भी किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो 5 ईयर्स से यूज कर रही है ये लॉज का कास्ट आयरन तवा और बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल खराब नहीं हुआ है, और ये प्री सीजन्ड भी है। बस मेनली यही ख्याल रखना है कि इसको टाइम टू टाइम सीजन करते रहना है, लाइक ऑयल की कोटिंग लगाते रहो, और डिश वॉशर में इसको क्लीन नहीं करना है। और मैं इसको लेने में थोड़ा डिले इसलिए कर रही थी कि मुझे मोस्टली ये भी बोल रहे थे सब कि ये थोड़ा हैवी होता है, तो हाँ अनडाउटेडली हैवी तो है, तो कास्ट आयरन का है तो आई थिंक हैवी इसलिए होगा, बट इतनी अच्छी क्वालिटी है और मेड इन USA है, तो डेफिनेटली क्वालिटी के बारे में तो सोचने की जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ले ही लेती हूँ। अमेजोन से लिया है मैंने, 2 दिन पहले आ गया था, बट मैंने सोचा पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ फिर यूज करूंगी। आज फर्स्ट टाइम रोटी बनाने जा रही हूँ, देखती हूँ क्या एक्सपीरियंस रहता है, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चेक करना चाहते हो तो वहां से कर लेना। इसको वॉश कर लिया है अच्छे से, थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देती हूँ। और कास्ट आयरन का ना यही होता है कि हम जितना ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे कुकिंग करेंगे धीरे धीरे, लाइक जितना ये ओल्ड होगा उतना अच्छा बनेगा। आज बहुत ही अच्छा वेदर है, धूप निकली है, कल तो इतनी ठंड हो गई थी, लाइक बारिश और उसके साथ विंडी, बहुत ज़्यादा कल बुरी हालत थी, मन ही नहीं कर रहा था ब्लैंकेट से बाहर निकलने का। तो अभी अनुज जा रहे हैं केयूष को पिक करने और मैं 7 फुट पे उतर जाऊंगी, गार्लिक ले आती हूँ क्योंकि जल्दी से फिर डिनर भी बना लूंगी, क्योंकि इवनिंग में फिर सॉकर क्लास है ईशा का, तो वेंसडे बिजी बिजी डे हो जाता है।
कैसा था आपका प्री स्कूल सर? गुड था? क्या प्ले किया आपने? चलो आ जाओ। ले लिया गार्लिक और थोड़ा सा डॉलर स्टोर भी घूम लिया। हैलोवीन क्रिसमस डेकोरेशन के स्टफ ऑलरेडी आ गए, तो बस अभी जाती हूँ जल्दी से चिकन बना लेती हूँ। चिकन कोरमा बनाने वाली हूँ मैं आज। ये लेके आई मैं डॉलर स्टोर से, ये शा के लिए। ये अरे अच्छा लग रहा है। आरकेश के लिए सोट लेके आई मैं डॉलर स्टोर से। हैप्पी अच्छा लग रहा है ना? बताना मुझे कैसा लग रहा है डॉलर स्टोर से। डॉलर स्टोर से $1 का यार। और आजकल येशा को बहुत शौक जागा है ना ऐसे गर्लिश चीजों का, तो उसको अच्छा लगेगा। चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले अनियन हमें बिल्कुल ब्राउन करके फ्राई करने हैं, जैसे बिरयानी के बरिस्ता के लिए फ्राई करते हैं ना वैसे ही। ये अनियन अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब बस इसको ठंडा कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे घी गरम कर लिया है मैंने, उसमें डाला है बेलीफ, तेजपत्ता, छोटी वाली इलायची और सिनेमन स्टिक। अब इसमें चिकन डाल के अच्छे से फ्राई करना है, लाइक ब्राउन हो जाए बढ़िया से चिकन का कलर। और हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ मैं इसको, और जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैंने डाल दिया है अनियन का पेस्ट। अच्छे से चिकन को मिक्स करना है अनियन के पेस्ट के साथ, और पूरे टाइम ना हाई फ्लेम ही रखना है और कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है और इसको बहुत ही बढ़िया से भुनना है। जितने अच्छे से भुनेगा उतना अच्छा स्वाद आएगा इसका। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिना पानी के जब भुनता है ना मसाला तब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। स्पाइसेस में डालेंगे सॉल्ट और ये क्यूमिन और कोरिएंडर मैंने रोस्ट करके ग्राइंड किया है पाउडर, और कश्मीरी चिली पाउडर। मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर देंगे और उसके बाद दही को अच्छे से बीट कर लेना है और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और यहाँ पे चिकन अच्छे से जब फ्राई हो जाए तब दही डाल देंगे इसमें, और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप दही डालो, पानी मत ऐड करो। और इसको अच्छे से भूनते रहो और फिर कवर करके चिकन को कुक कर लो। मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ तो वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अगर आपके पास विथ बोन वाला चिकन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप ढक के कुक कर लो। और मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू सोक करके रखे थे, इसका पेस्ट बना लिया है। और जब चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो लास्ट में काजू का पेस्ट डाल के और मिक्स कर लेंगे, और फिर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और ये नटमेग है, या तो आप नटमेग पाउडर डाल दो या फिर ऐसे ही क्रश करके डाल दो, अच्छा सा फ्लेवर आता है। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। और लास्ट में कसूरी मेथी। डिनर रेडी हो गया है, चिकन बहुत ही यमी बना है। मैंने टेस्ट करके देखा, थोड़ा सा मैंने राइस के साथ खाया, बहुत ही डिलिशियस लग रहा है। और मेन चीज़ इसकी यही होती है कि बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए ना तो आप दही ऐड कर लो, बट पानी मत डालो, तभी ये टेस्ट आएगा। और मसाले को अच्छे से भूनो। आज तो अनुज को बहुत मज़ा आने वाला है, जब भी मैं ऐसे भून के अच्छे से मसाले वाला बनाती हूँ ना चिकन, तभी उसको पसंद आता है। वो पानी डाल के या फिर चिकन करी टाइप जो कि बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है, वो चीज़ अनुज को नहीं पसंद। उसको या तो ड्राई चिकन हो या तो बिल्कुल ऐसे ही मसाले मसाले वाला फ्राइड चिकन हो, तभी अच्छा लगता है उसको। स्टार वॉर But I want those swords. Those are for me. सोड निंजा सोड, येशा खुश हो जाएगी अपना हेयर बैंड देख के, और सोड भी बोलेगी कहाँ गए आप। उसको बहुत एक्साइटमेंट होता है घर आके अगर उसको कुछ नया देखने को मिले ना। कल आई थी तो काउच था, आ जाएगी तो ये दोनों मेगाज़ोर्ड। क्यूल आज आइए।
क्या बोलते आप लोग, बोलते हो ना कि केयूष की सारी बातें समझ में नहीं आती, मुझे भी उसकी सारी बातें समझ में नहीं आती। उसके जो वो टर्म्स होते हैं ना, टॉयज और जो भी वो वीडियोस में देखता है वो सब बोलता है, और येशा और यही समझते एक दूसरे की भाषा, तो मुझे भी नहीं समझ में आता। और अच्छा हुआ है कि डिनर मैंने रेडी कर लिया, तो आने के बाद अराउंड 1 आवर मिलेगा मुझे, तो ये लोग जब तक फ्रेश होंगे या टीवी देखेंगे तब तक मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि फिर भागना है टेनिस के लिए, और फिर इवनिंग में देखते हैं क्या करते हैं। टेनिस के बाद अनुज आ जाते हैं पिक करने के लिए। डिंग डरा 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 पहन के बताओ। है थर्सडे मॉर्निंग, अराउंड 11:50 हो गए, 12 o'clock होने वाले, अनुज बस आने वाले और मैं चाय बनाने जा रही हूँ। आपने देखा ही, हम इस टाइम पे कभी भी चाय नहीं पीते, बट आज पी रहे हैं क्योंकि हम सबकी हालत खराब है, गले में हल्की हल्की सी दर्द है और रनिंग नोज चालू हो गए। येशा को हल्का सा हुआ था, और जब भी स्कूल स्टार्ट होता है ना और ये चेंज ऑफ सीजन हो रहा है, नई नई ठंड हो रही है, तो हमेशा ही हो जाता है, और एक किसी को हुआ नहीं घर पे कि सबको हो जाता है। तो बस अनुज का थोड़ी देर पहले फ़ोन आया कि मैं घर आऊँगा, तो चाय बनाने ला, नोज़ बह रहे हैं तो मैंने सोचा अब चाय बन रही है तो मैं भी पी ही लेती हूँ, तो बस चाय बनाने जा रही हूँ। और मॉर्निंग से मैंने कुछ खास किया नहीं, यही वाला ब्लॉग एडिट कर रही थी। मुझे हमेशा कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सोची स्टेप बाय स्टेप दिखाना कि चाय कैसे बनाते हो, तो बहुत सिंपल है, पानी डालो, उसको खूब सारा बॉईल करो, और जब बॉईल हो जाए तो उसमें मैं डालती हूँ अदरक, काली मिर्च, इलायची और आलमंड कूट के, और थोड़ी देर और बॉईल करती हूँ। इसलिए मैं लाइक एक कप चाय बनानी है तो मैं अराउंड 1.5 कप पानी डालती हूँ, क्योंकि उबल उबल के मेरी चाय कम हो जाती है अगर मैं 1 कप का 1 कप ही डालूं तो, इसलिए मैं हमेशा पानी ज़्यादा डालती हूँ, और जब अच्छे से उबल जाती है फिर मैं डालती हूँ दूध, फिर चाय पत्ती, फिर चीनी। 1 कप के लिए मैं 1 टीस्पून चाय पत्ती डालती हूँ, और चीनी तो अपने हिसाब से। तो खास कोई डिफरेंट चाय की रेसिपी नहीं है, आई एम श्योर हर कोई चाय ऐसे ही बनाता है, बट मैं चाय उबालती बहुत ज़्यादा हूँ। अनुज भी बोलते हैं ये क्या है, चाय है कि बीरबल की खिचड़ी है, बनी जा रही है, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मुझे लगते हैं 20-25 मिनट अच्छे से लग जाते हैं मुझे अच्छी वाली चाय बनाने के लिए, और इसलिए मुझे ना हमेशा अपने हाथों की ही चाय पसंद है, मुझे दूसरे के हाथ की चाय कभी भी पसंद नहीं आती। और काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई Q&A वीडियो नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर्स देती हूँ, तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो मेरे से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड आप चाहते हो कि मैं बात करूँ, तो क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हो। तो चलिए गरम गरम अदरक वाली चाय के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करना। अगर आपको चिकन की रेसिपी अच्छी लगी या फिर आपने ट्राई किया तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय।